नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है 16 जून से और बन रहा है महापुरुष राजयोग। सूर्यदेव अब तक वृषभ राशि यानी शत्रु राशि में थे, अब जब निकलकर यहां से मिथुन राशि में जाएंगे तब क्या होगा। पांच ग्रह जो जीवन में तमाम तरह की उलझनें पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे 51 वर्षों के बाद जीवन में कुछ चमत्कार होने वाला है। और आप लकी राशि हैं वृश्चिक राशि। शुक्रदेव शत्रु राशि से निकलकर बनाएंगे महापुरुष राजयोग और ये राजयोग जीवन में ऊंचाइयां देगा, सफलता देगा। और महापुरुष राजयोग आपको शुक्र के सभी फायदे देगा। शुक्र से संबंधित कार्यों से लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अच्छी संभावना बनती है। साथ ही विदेश से लाभ होगा। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो इसमें प्रयास तेज कर दें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबारी हैं तो आपके लिए ये समय छप्पर फाड़ कर धन आने का है। अगर होटल ट्रेवल टूर संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इन क्षेत्रों में आपको अच्छी संभावना दिखती है, अच्छे लाभ होंगे। सोना चांदी हीरे मोती के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही शुभ है। और लग्न के बृहस्पति आपके जीवन में तमाम परेशानियों से आपको आपकी रक्षा भी करते रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपका विवाह भी करवाएंगे। अगर इसमें आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विवाह होने में अगर कोई अड़चने आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो वो भी इस समय दूर होती दिख रही है। संतान का सुख मिलता दिखता है। साथ ही भाग्योदय का समय है। देवगुरु बृहस्पति जो भाग्योदय करते हैं इस समय आपको ज्ञानवान भी बनाएंगे और आपका भाग्योदय भी करेंगे। और इसी बुद्धि के बल पर आप जीवन में तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। ये समय खास है, लेकिन एक मामले में आपको रहना है सावधान। वो किस मामला में रहना है ये हम आपको वीडियो के अंत में बतलाएंगे। उसके पहले जानते हैं छप्पर फाड़ कर कब और कैसे मिलेगा आपको धन। बृहस्पति की सम सप्तक राजयोग आपको देगा ढेर सारा धन, साथ ही खुशियां भी। और ये राजयोग बनने के साथ साथ महापुरुष राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, तीन तीन राजयोग का फायदा क्या मिलेगा और इसके फायदे आपको कैसे उठाने हैं, आइए हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। वृश्चिक राशि वालों, मालव्य नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है और आपके लग्न में बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको किस्मत का साथ दिलवाएंगे। वैसे भी हमने पहले भी कहा है, लग्न में जब गुरु बैठते हैं तो तमाम ग्रह इधर के उधर क्यों ना हो जाएं, पर गुरु आपकी रक्षा करते रहते हैं। और यहाँ पर किस्मत का साथ देने के लिए देव गुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही तैयार हैं। जीवन में ऊंचाइयाँ देंगे, पारिवारिक सुख देंगे, साथ ही आपके जीवन में भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। अगर आप फिल्म मीडिया ग्लैमर संगीत वाले क्षेत्र में हैं तो इस समय आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, भर भर कर धन आएगा और विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। सम सप्तक राजयोग जीवन में ऊंचाइयां भी देगा और आपका विवाह होने की संभावना प्रबल रूप से बना रहा है। इस समय आप अगर उच्च शिक्षा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। साथ ही अगर सरकार से कोई आपको कुछ पैसे हैं जो आपको वापस आने हैं, रुका हुआ डूबा हुआ और फंसा हुआ पैसा, प्राप्ति की संभावना भी इस समय प्रबल रूप से बन रही है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा और ये समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों, हमने कहा सावधान भी रहना है, कब और कैसे। सूर्य मंगल बुध और राहु और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ती दिख रही है। मृत्यु स्थान पर आने से इस समय आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ी सी कष्ट तो दिखती है आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य का ध्यान दें। और हम वीडियो के अंत में उपाय बतलाएंगे, उपाय करते रहिएगा ताकि आपको इसके बेनिफिट मिलें और आपको ज़्यादा तकलीफें ना झेलना पड़े। दोस्तों, आपके स्वामी हैं मंगल देव और 22 जून से जीवन में थोड़ी सी परेशानी देंगे,
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो है ही, आपको बैक पेन, कमर दर्द जैसी समस्या से बचना होगा और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम जरूर कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का यह एक ऐसा ग्रह है जो विस्फोट का कारक है और नीच का हो रहा है 22 जून से आपके स्वामी हैं। तो लड़ाई झगड़े से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा, दुर्घटना से बचिएगा, और जब 22 जून से नीच के होंगे मंगल देव, तब मंगल राहु एक साथ बैठ जाएंगे और शत्रु राशि से निकलकर नीच के हो जाने के बाद आपके जीवन में परेशानियां बढ़ाते दिख रहे हैं। रक्त की समस्या भी परेशान कर सकती है। लाल रंग के वस्त्र धारण करने से बचें और मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद आप वितरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य का ये राशि परिवर्तन भाग्य से धन देगा और शेयर बाजार से लाभ देगा, विदेश से लाभ देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, व्यापार में लाभ देगा और ये समय आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए, जीवन में चमत्कार हो तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।